एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने एक संत से प्रश्न किया, महाराज रूप रंग बनावट प्रकृति में एक जैसे होते हुए भी कुछ लोग बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, यहाँ तक कि एक साथ पढ़ने वाले बहुत से शिष्यों में से कुछ एक विशेष ही कुछ ज्यादा विशेष कर पाता है, जबकि कुछ लोग पतन के गर्त में डूब जाते हैं, कुछ साधारण ही रह जाते हैं। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? तो संत ने उत्तर दिया, कल तुम सुबह तालाब के किनारे मुझे मिलना, तब मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह तालाब के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि संत दोनों हाथ में एक एक कमंडल लिए खड़े हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक कमंडल तो सही है, लेकिन दूसरे की पेंदी में एक छेद है, और उसके सामने ही संत ने दोनों कमंडल तालाब के जल में फेंक दिया। अब जो कमंडल सही था वो तो तालाब में तैरता रहा, लेकिन छेद वाला कमंडल थोड़ी देर तैरा, लेकिन जैसे जैसे छेद से पानी अंदर आता गया वो डूबने लगा और अंत में पूरी तरह डूब गया। संत ने जिज्ञासु व्यक्ति से कहा, जिस प्रकार दोनों कमंडल रूप रंग आकृति और प्रकृति में एक समान थे, किंतु दूसरे कमंडल में एक छेद था जिसके कारण वो डूब गया, बस इसी तरह मनुष्य का चरित्र ही इस संसार सागर में उसे तैराता है, जिसके चरित्र में छेद अर्थात दोष होता है, किसी भी तरह का दोष, चाहे वो आलस्य का दोष हो, चाहे वो लालच का दोष हो, या काम को सही ढंग से ना करने का दोष हो, या चीजों को ऊपरी ऊपरी ढंग से करने का दोष हो, ये सब कुछ उसके पतन का कारण बनते हैं, और ऐसा व्यक्ति पतन के गर्त में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को, अपने अंदर छुपी बहुत सारी कमजोरियों को दूर करता हुआ निरंतर प्रयास करता रह जाता है, वो व्यक्ति इस संसार में उन्नति जरूर करता है, चाहे कितनी बार भी गिरे, और कितनी बार गिरने के बाद भी जो हार नहीं मानता, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन सफलता के बहुत ऊंचे मुकाम पर जरूर पहुंचता है। तो ये दोस्तों याद रखें कि जीवन में हमेशा चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितने भी दुख हो, कितनी भी कमजोरियां आपके अंदर हो, उनको खत्म करने का प्रयास करें। आप जितना प्रयास अपने ऊपर करेंगे, दूसरों के बारे में सोचने के बजाय आप जितना प्रयास खुद के लिए करेंगे, उतनी ही जल्दी तरक्की की सीढ़ियां आप चढ़ते जाएंगे। और यदि आप अपने जीवन में ये पाते हैं कि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो निरंतर उसी दिशा में अर्थात एक ही दिशा में कार्य करते रहें, कभी न कभी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हो सकता है सफलता देर से मिले, लेकिन ना मिले ऐसा कोशिश करने वालों के साथ कभी भी नहीं होता।